हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुकीज़ की ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए अब बिना कोई देर किए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे कोई भी एक बर्तन, उसके ऊपर इस तरह से छलनी रख देंगे। एक कटोरी मैदा लेंगे, ये लगभग 250 ग्राम मैदा है। आधी कटोरी पिसी हुई चीनी, एक चम्मच मिल्क पाउडर, दो चम्मच सूजी। आप जिस कटोरी से मैदा ले रहे हैं उसी कटोरी के मेज़रमेंट से हमें चीनी भी लेना है। एक पिंच नमक, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, ये वही बेकिंग पाउडर है जो हम केक में यूज़ करते हैं। अब हम इन सबको छान लेंगे। आधी छोटी चम्मच ही बेकिंग पाउडर लेना है हमें यहाँ पर। ये देखिए मैंने सबको अच्छे से छान लिया है। कुकीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी एल्यूमिनियम की कढ़ाई ली है, मोटी वाली। उसके अंदर हम कोई भी एक स्टैंड रख देंगे, उसके ऊपर एक प्लेट इस तरह से उल्टी ढककर रख देंगे और इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब जिस कटोरी से हमने मैदा और चीनी नापी थी उसी कटोरी से हमें आधी कटोरी से घी या फिर बटर लेना है। मैं यहाँ पर बटर का यूज़ कर रही हूँ। हमें एक कटोरी मैदे के लिए आधी कटोरी पिसी हुई चीनी और आधी कटोरी बटर या घी लगेगा। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है कुकीज़ बनाने का। मैंने यहाँ पर सारा बटर एक साथ नहीं डाला था, मैं यहाँ पर दो बार करके बटर डाल रही हूँ। आप चाहें तो सारा एक साथ भी डाल सकते हैं लेकिन थोड़ा रिस्क रहती है इसीलिए। ये देखिए मैंने इसके अंदर सारा बटर डाल दिया है और इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस तरह से मुट्ठी बांध कर देखेंगे कि आपकी मुट्ठी बंद रही है नहीं। अगर आपकी मुट्ठी अच्छे से नहीं बंद रही है, मैदा अच्छे से बाउंड नहीं हो रहा है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा और बटर या घी डाल सकते हैं या फिर 1 से 2 टेबलस्पून दूध भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सचर अलग निकाल लिया है, उसके अंदर मैंने डाला है ये 1 चम्मच कोको पाउडर। जी हाँ, कोको पाउडर मैं यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए डाल रही हूँ। आप चाहें तो सारी कुकीज़ प्लेन भी बना सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर 2 फ्लेवर में बनाई है, एक प्लेन और एक चॉकलेट पाउडर वाली, कोको पाउडर वाली। अब हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा पोर्शन तोड़ेंगे। कुकीज़ का शेप डिज़ाइन आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर 8-10 तरह की शेप दिया कुकीज़ को, आपको जो पसंद आए जो ठीक लगे वो आप बना सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी ढक्कन ले सकते हैं, मेरे पास कुकीज़ कटर नहीं है। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप बहुत ही इजीली और बहुत ही कम टाइम में कुकीज़ बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सारा जुगाड़ किया है। अब आइस बनाने के लिए आप यहाँ पर कोई भी पेन का ढक्कन ले सकते हैं। मार्केट में कुकीज़ कटर इजीली अवेलेबल होते हैं, आप उससे कुकीज़ बना सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर प्लेट को घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप प्लेट के अंदर बटर पेपर लगाएं और उसके ऊपर हल्का सा घी से वापस ग्रीस कर लें, उसके बाद आप कुकीज़ को रखें। अब इसी तरह से हम सारी कुकीज़ बना लेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर डो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, अच्छे से नहीं बन पा रही हमारी कुकीज़, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच दूध डाला है। आपको बिल्कुल ज़रा सा दूध डालना है, ज़्यादा दूध बिल्कुल भी नहीं डालना है वरना हमारी कुकीज़ अच्छी नहीं बनेगी। अगर आप दूध को स्किप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसके अंदर 1 चम्मच घी और बढ़ा दें। आप इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि आपको प्लेट के अंदर सारी कुकीज़ पास पास नहीं रखना है, क्योंकि पकने के बाद वो फूल जाती है और आपस में चिपक जाएगी, शेप बिगड़ जाएगा, शेप एज इट इज़ नहीं रहेगा। इसलिए आप स्टार्टिंग से ही कुकीज़ को दूर दूर रखें थोड़ा स्पेस देकर। मैं यहाँ पर पिकॉक शेप बना रही हूँ कुकीज़ में। आप सारी स्माइली वाली कुकीज़ भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें राउंड कर देना है। ये देखिए हमारा पिकॉक लगभग बन चुका है। अब मैं इसके अंदर टूथपिक की हेल्प से आइस बना लूँगी।
ने देखिए, हमारा पिकॉक बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे स्पैचुला की हेल्प से धीरे से उठा लेंगे और प्लेट के अंदर रख देंगे। ये देखिए हमारा पिकॉक कितना सुंदर लग रहा है। अब हम वापस इसी तरह से ढक्कन की हेल्प से एक सर्कल निकाल लेंगे और इसकी साइड्स को हटा देंगे और फोक की हेल्प से इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करते हुए लीफ वाली कुकीज़ बनाएंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से जो चाहे वो शेप दे सकते हैं कुकीज़ में। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर कोको पाउडर वाला मिक्सचर ले लिया है, इसके अंदर भी मैंने एक छोटी चम्मच दूध डाला है। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने कोको पाउडर वाले मिक्सर के 5 छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं, एक वाइट बॉल बना लिया है। अब इस तरह से थोड़ा सा इसे फ्लैट कर देंगे और ढक्कन की हेल्प से इस तरह से वापस इसका एक सर्कल निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन बनकर आई है हमारी। आप ध्यान रखें कि हमें कुकीज़ को पतला नहीं करना होता, हमारी कुकीज़ जो है वो मोटी ही होती है। आप इसे ज़्यादा पतला ना करें वरना हमारी कुकीज़ बिगड़ जाएगी। हमें इस तरह से मोटा मोटा ही बनाना होता है कुकीज़ को। शेप डिज़ाइन आप जो चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन इसकी मोटाई को मेंटेन करके रखें। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है वरना अंदर से वो पक नहीं पाएगी अच्छे से, क्योंकि हम वैसे भी कुकीज़ को कढ़ाई में बनाकर जुगाड़ कर रहे हैं। परफेक्ट कुकीज़ माइक्रोवेव में ही बनती है, लेकिन हम यहाँ पर कढ़ाई में बना रहे हैं। कढ़ाई में भी बहुत अच्छी कुकी बनकर आती है। हम सारी कुकीज़ को अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार जो चाहें वो शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास कुकीज़ कटर हो तो आप सारी कुकीज़ उनसे ही बनाएं। ये देखिए, ये भी कितनी अच्छी डिज़ाइन बनी है। ये देखिए, मैंने सारी कुकीज़ को बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने कितनी सुंदर सुंदर कुकीज़ बनाई है। हमारी कढ़ाई भी बहुत अच्छे से गर्म हो गई है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे प्रीहीट किया था। अब इसके अंदर हम आहिस्ता से बहुत ही केयरफुली इस प्लेट को रख देंगे, क्योंकि हमारी कढ़ाई इस टाइम पर बहुत गर्म है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे 25 से 30 मिनट तक पकाना है। बहुत सी बार ये 25 मिनट में भी बनकर रेडी हो जाती है। ये देखिए, 25 मिनट हो चुके हैं, हमारी कुकीज़ बनकर बिल्कुल तैयार है। ऊपर से इसका हल्का सा कलर चेंज होता है और इस तरह से क्रैक्स आ जाते हैं, ये इसके परफेक्ट कुकीज़ बनने की पहचान है। और नीचे से थोड़ा गोल्डन सुनहरा कलर आता है। कभी कभी कुकीज़ को बनने में 30 से 35 मिनट भी लग जाते हैं। ये हमारी कढ़ाई के ऊपर, बर्तन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना मोटा बर्तन या पतला बर्तन ले रहे हैं। ये देखिए, हमारी कुकीज़ बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हुई है। आप देखिए पीछे भी कितना सुंदर सुनहरा कलर आया है। प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।